हेलो एवरीवन बेटा, हम चैप्टर में जो टॉपिक कर रहे थे वो था चैन ऑफ रिएक्शन। वो भी चैन ऑफ रिएक्शन में दो केसेस मैंने यहाँ करा दिए थे। तीसरा मुझे आज केस समझाना है, कौन से वाला? थर्ड केस आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, एक डिक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको यहाँ दिया था, जिसने की अच्छी बात है, घर से कम वो अब चेक कर सकता है और उसको एक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर भी एक बार आपको ड्रॉ करवा दूं कि कैसे बनना है ध्यान से। डिक्रीज इन डिमांड कराया तो नहीं था कल? ये करा दिया था मैंने यहाँ, नहीं कराया था ना? बेटा बड़े ध्यान से समझना, तीन ही स्टेप्स याद है तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है? प्राइस, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये यहाँ से एक लाइन। कौन सा केस समझाना है? डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड कर्व को कहाँ शिफ्ट कर दो? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट तो पहले ही पता चल जाएगा, ये वाला है ई डैश। इससे एक लाइन प्राइस पे, एक क्वांटिटी पे, पहले ही समझ में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या हो रहा है इस केस में, कम, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है? क्वेश्चन ये अराइज होता है, चलो ये तो सर कम हो रहे हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसे चैन ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे लिखना है। तो बेटा तीन स्टेप्स में समझाई हुई है बातें, स्टेप वन टू और थ्री। मैं पहले बता दूं इसका आंसर सेम टू सेम आएगा, इंक्रीज इन सप्लाई वाला, उनसे वाला। क्यों? समझते हैं उस बात को। हमने तीन स्टेप में, स्टेप नंबर वन क्या देखना होता है कि जो इनिशियल प्राइस है, जो क्या है इनिशियल प्राइस, उस पर एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई है, एक्सेस सप्लाई। तो यार समझ लो, अगर डिमांड कम हो रही है तो एक्सेस डिमांड तो क्रिएट नहीं हो सकती। क्या क्रिएट हुई होगी? एक्सेस सप्लाई। वो अब कर्व पे कैसे दिखेगा? घूमने के लिए निकलेंगे, यहीं पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये कौन सा कर्व है इस बार? तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके मैं कह दूंगा ये यहाँ की क्या है, डिमांड। आगे घूमने के लिए निकलूंगा, ये कौन सा कर्व आ जाएगा? तो ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये जो गैप है ई टी, ये क्या क्रिएट हो गया? एक्सेस सप्लाई विल क्रिएट एट इनिशियल प्राइस, जो कि किसके इक्वल है अपने आप में, दैट इज इक्वल टू ई टी। क्या बात समझ में आई या नहीं? तो क्या क्रिएट हुआ सबसे पहले? एक्सेस सप्लाई। आगे चलते हैं, उसके आगे तो ईजी है यार। एक्सेस सप्लाई से प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, बिक रहा नहीं वो। सॉरी बेटा, आप सबको आंसर देना है ना, एक्सेस सप्लाई से प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा इंक्रीज इन सप्लाई वाले केस? अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो उसके रेट क्या करने पड़ते हैं? कम। इसका इम्पैक्ट डिमांड पे अलग और सप्लाई पे अलग। बताओ डिमांड पे क्या आएगा? सप्लाई, इसे क्या कहेंगे? इसे दोनों में मूवमेंट कैसे होगा, कहाँ दिखेगा सर वो देखते हैं। सप्लाई में दिखेगा ई से ई डैश, और यहाँ दिखेगा टी से ई डैश। तो नया पॉइंट कौन सा आ गया कुल मिला के, जिसपे क्या प्रूफ हो गया? ई पी भी कम और ई क्यू भी कम। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? ये किसका बिल्कुल सही था बैच में, कि हमने सर ये सारे स्टेप ऐसे लिखे हुए, एक दो, और किसी का सही नहीं है। लिखो बेटा यहाँ से आंसर भी लिखो, जिसने पहले ऊपर वाला नोट डाउन करना है, कर्व बनाना है, फिर लास्ट केस देखेंगे सप्लाई डिक्रीज का। बिल्कुल बेटा मैंने अभी एक केस कराया डिक्रीज इन डिमांड का, एक रह गया डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है बेटा, ये जो तीन स्टेप्स हैं डिक्रीज इन सप्लाई के, पहली बात तो शायद यहाँ पे वो लिखे हुए नहीं, किस किस बच्चे ने डिक्रीज इन सप्लाई वाला किया हुआ है? किस
किसने कर लिया डिक्रीज इन सप्लाई? 1 2 3 4 5, पांच बच्चों ने किया हुआ है। चलो बेटा मैं बाकियों को चेक तो मुझे कराना ही पड़ेगा ना, और जिसने किया है वो भी चेक करेगा ही करेगा कि सही किया या गलत। तो जल्दी से इस बार ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड। क्या हो गया बेटा? मजे ले लो तुम मेरे। सप्लाई और डिमांड, बेटा तुम ये भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और बताओ ई, और यहाँ से एक लाइन करेंगे करेंगे। पहले मैं समझा दूँ बेटा, यहाँ कर्व के नाम तो गलत नहीं लिखवा दिए तुमने मेरे से? सही है ना, सप्लाई डिक्रीज का बताना है। घमंड नहीं किया मैंने अपने ड्राइंग पे, वो अलग बात है ना। करता हूँ मैं घमंड? चलो बेटा वही करेगा जिसकी अच्छी होगी। ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इस पे क्या हो रहा है पहले ये देख लो। प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी कम, तो ईपी बढ़ेगा, ईक्यू कम। 3 स्टेप 1 2 3, मुद्दे वाली बात फर्स्ट स्टेप है। और इसका आंसर क्या लिखा जाएगा मैं पहले बता दूं। कौन से वाला आने वाला है यहाँ? सप्लाई कम हो रही है ना, तो इंक्रीज इन डिमांड वाला आंसर आने वाला है इसका। एक्सेस, देखो सप्लाई कम हुई तो एक्सेस सप्लाई तो क्रिएट हो ही नहीं सकती, क्या क्रिएट होगी? एक्सेस डिमांड। देख लेते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। निकलो भैया इस पी प्राइस पे निकले, कहाँ पे इंटरसेक्शन आया? सप्लाई पे। एक लाइन नीचे ड्रॉ करो, तो ये क्या आ गई इसकी क्वांटिटी सप्लाई। और आगे निकले, कौन सा कर्व मिलेगा? डिमांड, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ये क्या क्रिएट होगी? एक्सेस डिमांड विल क्रिएट एट इनिशियल प्राइस। उसके बाद तो इजी है, किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे, और प्राइस बढ़ने से डिमांड सप्लाई, इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दोनों में मूवमेंट क्या आएगी, कहाँ से कहाँ? सप्लाई पे आएगी टी टू एस डैश, और डिमांड पे आएगी ई टू ई डैश, ई टू ई डैश, ई टू ई डैश। नया पॉइंट क्या आ गया? ई डैश। काम खत्म, ये यहाँ पे हो रखा है। ये स्टेप नंबर 1 2 और 3 जल्दी से नोट डाउन कर लो, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन पूरा लिख लेना है, या लिखा हुआ नहीं है, ये कौन सा वर्ड विल बी द इफेक्ट ऑन ईपी एंड ईक्यू व्हेन सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीजेस, एक्सप्लेन विद चैन ऑफ रिएक्शन। चैन ऑफ रिएक्शन खत्म, अब करते हैं आगे भी, जल्दी करो यार आज। बेटा अभी तक मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको क्या कराया? सबसे पहले हमने चार केस देखे थे सिंगल शिफ्टिंग के विदाउट चैन ऑफ रिएक्शन, कि भाई ईपी और ईक्यू पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर डिमांड बढ़ेगी डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी सप्लाई कम होगी। यही चारों मैंने फिर किसके साथ बताए? चैन ऑफ रिएक्शन के साथ। और बीच में दो क्वेश्चन अलग कराए थे जहाँ पे सिंगल शिफ्टिंग की जगह कौन से किए थे डबल शिफ्टिंग, ये कंसेप्ट कराया मैंने। अभी एक ही स्पेशल केसेस का कंसेप्ट रहता है, और एक अलग से कुछ साल पहले प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के नाम से कंसेप्ट आया। प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर तो खैर एक दिन अलग लगेगा हमारा। अब जो ये स्पेशल केसेस हैं, मे बी कल हो सकता है कि हम कल कंप्लीट करें। स्पेशल केसेस के लिए बस एक बात याद रखनी है आपको, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो याद रखना पड़ेगा आपको कि कर्व की शेप कैसी बनती थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और परफेक्टली इन इलास्टिक में पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम टू सेम किस में? सप्लाई में। सप्लाई भी परफेक्टली इलास्टिक में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और परफेक्टली इन इलास्टिक में पैरेलल टू वाई एक्सिस। सर स्पेशल केसेस में है क्या? स्पेशल केसेस में बस कर्व की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम समझे नहीं सर, समझो क्वेश्चन क्या आएगा कि ईपी और ईक्यू पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कब? जब इनिशियल डिमांड कर्व क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। तो जो इनिशियल डिमांड कर्व वैसा बनता था ना नेगेटिव स्लोपिंग, वो कैसा बन जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सप्लाई तो नॉर्मली बनती है, तो इनिशियल कर्व चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद सप्लाई इंक्रीज का क्या इम्पैक्ट आएगा? राइट में शिफ्ट कर दो, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया,
उससे लाइन प्राइस पे ड्रॉ करेंगे, क्वांटिटी तो क्या निकल के आएगा कि ईपी तो क्या ही रह गया सेम, और ईक्यू क्या हो गया इंक्रीज। क्या बात समझ में आई या नहीं? ऐसे ये सप्लाई डिक्रीज का भी, ये क्वेश्चन आप घर से करके आओगे पहले समझते रहो। ये चार क्वेश्चन बनेंगे स्पेशल केसेस के। कैसे चार? सुनना, एक केस में तो मैंने इनिशियल डिमांड कर्व को क्या करवा दिया, परफेक्टली इलास्टिक। अगले में इनिशियल डिमांड कर्व को क्या करवा दूंगा, परफेक्टली उसकी शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस की जगह क्या बन जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखना ही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये सप्लाई, सप्लाई बढ़ने पे क्या इम्पैक्ट आया और सप्लाई कम होने पे क्या इम्पैक्ट आया। जैसे ये दो केसेस डिमांड के लिए बनाए, ऐसे ये दो किसके लिए बनाऊंगा, सप्लाई के लिए। जब इनिशियल सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक और जब इनिशियल सप्लाई कर्व परफेक्टली, तो देखो तीसरा केस, जब इनिशियल सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल डिमांड, डिमांड इंक्रीज का इम्पैक्ट, डिमांड डिक्रीज का। ऐसे सप्लाई इनिशियल परफेक्टली इनइलास्टिक। बेटा ये आपको चारों क्वेश्चन घर से करके आने हैं, आप पिक लेना चाहो ले लो, अदरवाइज नोट्स तो ऑलरेडी ऐप पे क्या हैं अपलोडेड। अब हम चैप्टर को कल खत्म कर देंगे, ठीक है? बता।